हेलो एवरीबॉडी, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 2.2, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ सिक्स। फर्स्ट रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन साइलेंटली। कह रहे हैं कि ग्रुप बनाए छे, उनमें क्या करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो साइलेंटली यानी कि खामोशी से आपको सुनने हैं। तो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक। तो मैं इनकी रीडिंग कर रहा हूँ और इनकी मीनिंग भी बता रहा हूँ कि इनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक। यानी कि वो सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो कौन सी है, जो लोग पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं, या वो स्मोक करते रहते हैं। नंबर सेकंड है, हाउ डज द यूज़ ऑफ दीज हार्मफुल थिंग्स इफेक्ट देयर फिजिकल हेल्थ। ये जो नुकसानदार चीज़ें हैं वो किस तरह असर रखती हैं उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर। नंबर तीसरा सवाल है कि हाउ डज देयर यूज़ इफेक्ट देयर रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। उनका इस्तेमाल दोस्तों और दूसरे लोगों के रिश्तों पर कैसे असरअंदाज होता है। सो नंबर फोर है हमारा, हाउ डज देयर यूज़ इफेक्ट देयर फैमिली लाइफ। उनका इस्तेमाल घरेलू जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है। नंबर फाइव है हमारे सामने, हाउ डज द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स इफेक्ट अ पर्सन्स लाइफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर फाइव है ये हमारा, उन चीज़ों की कीमत पर लोगों की ज़िंदगी पर कैसा असर होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक। नीचे चलते हैं, क्या हो रहा है एक्सरसाइज में, देखते हैं कि क्या हो रहा है और कि सॉल्यूशन किस तरह होगी इसका। इस एक्सरसाइज नंबर, ये जो 4-5 सवाल है 1 से लेकर 5 तक, और 1 से लेकर 5 तक इनका कॉम्बिनेशन है आपस में। मैं बता रहा हूँ किस तरह है, आप देखें। कह रहे हैं, फिर से वो रीडिंग चलेगी, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। कह रहे हैं कि ये जो इनके आंसर हैं वो आपको लिखने हैं अपने नोटबुक पे। नोटबुक का मकसद होता है फेयर कॉपी जो स्टूडेंट बनाते रहते हैं। लीव 2 लाइन्स आफ्टर ईच क्वेश्चन सो दैट यू कैन राइट आंसर्स लेटर। कह रहे हैं कि 2 लाइन्स का मुफासला रखें जिसके बुनियाद पर क्या है कि वो उनके आंसर आपको लिखने हैं उनके बाद में। वैन यू आस्क दीज क्वेश्चंस, जब ये क्वेश्चन आप पूछे जाएँ, ईच ऑफ यू शुड आस्क ऑल द ग्रुप मेम्बर्स 1 क्वेश्चन ईच एंड नोट डाउन देयर आंसर्स इन योर नोटबुक। कह रहे हैं कि एक सवाल जो है ना वो सब ग्रुप में से पूछा जाए और उसके बाद वही क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर वो अपने फेयर कॉपी पर या नोटबुक पर लिखना है। उसके बाद, हेयर आर सम की वर्ड्स फ्रेज दैट यू कैन यूज़ वाइल आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ फ्रेज हैं, कुछ वर्ड हैं जो हम क्वेश्चन पूछने के दौरान इस्तेमाल करते रहते हैं। यूज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ द नेम्स यूज हेयर। कह रहे हैं कि उनका स्टूडेंट जो भी हो उनके जो नाम है वो एक्चुअल होने चाहिए। ये ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जो सजेशन है ये फॉर द टीचर है, क्योंकि क्लास में जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका गुड इफेक्ट जब पड़ता है, जब वो बच्चों को बच्चों के नाम से ओरिजिनल नाम से पुकारता है तो उनका गुड इफेक्ट पड़ता है। यूज़ द क्वेश्चंस गिविंग अबव। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छा, नंबर फर्स्ट में है, शाहिना व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शाहना से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट हमारी जो पेज है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ सबके। तो ये है हमारा सेकंड फरा, इन योर ओपिनियन हाउ डज द यूज़ ऑफ दीज हार्मफुल थिंग्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आधे हैं वो मैं अपनी अपनी जो नेक्स्ट हमारा पेज है उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन, इनके कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना हमारा उसके आंसर जो हैं इनका और इनका कॉम्बिनेशन एक साथ है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन हमें बनाना कैसे चाहिए।
तो क्वेश्चन जो रियल होता है वो किस तरह बने और उनमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज, हम अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से और इनका कॉम्बिनेशन वो किस तरह है और सवाल किस तरह बनता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये हमारा है, ये मैंने जो आपको अभी बताया कि हमारे जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 5 थे, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, कंप्लीट उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो चलते हैं हम इसकी रीडिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 से लेकर 5 तक हम इनकी रीडिंग करते हैं और इनकी मीनिंग भी मैं आपको बता दूँ और सॉल्यूशन भी बता दूँ कि इसका आंसर किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन वहाँ पर जो फर्स्ट था वो था शाहिना, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग दैट पीपल ईट ड्रिंक और स्मोक। कह रहे हैं शाहाना से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी नुकसानदार चीज़ें हैं जो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, पीते हैं, या वो स्मोक करते हैं, या वो खाते रहते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने शॉर्टली आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं वाइन एंड सिगरेट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट और ड्रिंक और स्मोक। कह रहे हैं यहाँ पर वाइन जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं शराब का, तो ये बहुत नुकसानदार होती है, या ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, और हमारे सिगरेट ये भी बहुत नुकसानदार होती है। ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं लोगों के लिए जो वो क्या करते हैं, जहाँ वो खाते रहते हैं, जहाँ पीते हैं, जहाँ उनका इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत हार्मफुल चीज़ होती है। नंबर सेकंड में कह रहे हैं हमारे यहाँ पर, नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं कि फरा इन योर ओपिनियन हाउ डज द यूज़ ऑफ दिस हार्मफुल थिंग इफेक्ट देयर फिजिकल। फरा से पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में से ये जो नुकसानदार चीज़ें हैं वो उनकी फिजिकल हेल्थ यानी कि जिस्मानी हेल्थ के ऊपर कौन सा असरात रखते रहते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ, तो आंसर में कह रहे हैं द यूज़ ऑफ एरिका नट्स मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, काज द माउथ कैंसर एंड टूथ डिके। कह रहे हैं एरिका नट्स कहा जाता है ये छालियाँ जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं आजकल की जो ज़माना चल रहा है उसमें, इसका एरिका नट का जो ना इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है छालियाँ, ये जो लोग खाते रहते हैं ये उनके बारे में है। कह रहे हैं कि एरिका नट्स काज द माउथ माउथ कैंसर एंड टूथ डिके, ये जो छालिया होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदार होता है। क्यों नुकसानदार होता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा काज होता है माउथ कैंसर का, टूथ टिके यानी कि जो इनके दांत जो गंदे होते रहते हैं या उसमें जो बीमारी लग जाती है, ये इनका सबसे बड़े में बड़ा काज जो होता है वो इससे होता है, एरिका नट से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं रहते हैं ना, ये उनके लिए बहुत हार्मफुल चीज़ है। नंबर सेकंड कह रहे हैं द यूज़ ऑफ वाइन काज हार्ट अटैक एंड लॉस ऑफ मेमोरी। ये देखें ये वाइन जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके उनमें ज़्यादा से जो डिजीज़ जनरेट हो रही है वो है हार्ट अटैक, और उसके बाद जो है ना लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, उनकी जो मेमोरी होती है मेमोरी को कहा जाता है याददाश्त, तो उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो नंबर थर्ड है गुलनार, अकॉर्डिंग टू यू हाउ डज द यूज़ इफेक्ट देयर रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। ये गुलनार से पूछ रहा है कि आपके मुताबिक क्या है कि हाउ डज द यूज़ इफेक्ट देयर रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, यानी कि उनके जो रिलेशनशिप होते हैं एक तो उनके दोस्तों के साथ और दूसरे जो लोग होते हैं उनके साथ, उनका रिलेशनशिप कैसे होता है, यानी कि उसके ऊपर कौन सा असरात वो छोड़ते रहते हैं। तो उनका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, तो तीसरे का हम आंसर बता रहे हैं अभी, द पीपल हु यूज़ द हार्मफुल थिंग्स कैन लॉस द रिलेशनशिप विद एवरीवन। ये देखें ये बहुत ही जो है ना अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात इस आंसर में बताई जा रही है कि जो लोग नुकसानदार चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो गवा देते हैं अपना रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुकात हर किसी से। क्यों? क्योंकि वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी एरिका नट करते हैं, कभी वाइन करते रहते हैं, तो लोग जो होते हैं वो खुद ब खुद उनसे दूर होना शुरू करते हैं। क्यों शुरू होना करते हैं? क्योंकि वो जो उनकी जो हैबिट होती है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती इस वजह से,
द ड्रग एडिक्टेड पर्सन इजीली अडॉप्ट द बैड हैबिट्स एग्जाम्पल अब्यूसिव लैंग्वेज। अभी ये देखें, एडिक्टेड का मकसद है जो आदी हो जाता है इंसान, वो क्या करता रहता है, फिर गंदी आदतें उनको पड़ जाती हैं। जैसे कि कौन सी गंदी आदत, जैसे कि अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद जो है ना इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं कि मैं कौन सी जो ज़बान बात का ज़बान बोल रहा हूँ और किसके सामने बोल रहा हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद को जान नहीं सकते, तो इस वजह से। टू टेल अ लाई, हमेशा झूठ, हमेशा नहीं लेकिन कहने का मकसद, वो झूठ भी ज़्यादा बोलते हैं। टू डिसीव ई टी सी, सो इन सच वे पीपल स्टार्ट टू हेट फ्राम देम। अब क्या करते हैं लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि उनमें से एक एडिक्शन उनके पास है, जो वाइन इस्तेमाल करते हैं। फिर वो जब वो वाइन इस्तेमाल करते हैं, तो वो अब्यूसिव लैंग्वेज भी बात ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वो गालियाँ देते रहते हैं, तो ये लोगों को पसंद नहीं है। तो इस वजह से उन्हें वो भाला, हालांकि उनका क्यों ही अच्छा दोस्त क्यों नहीं, फिर भी वो उनसे अवॉइड करते हैं। नंबर है हमारा 4, ताहिरा। व्हाट डू यू से, हाउ डज देयर यूज़ इफेक्ट देयर फैमिली। अब कह रहे हैं, ताहिरा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताहिरा आप बताएं कि उनकी जो आदतें होती हैं, वो अपनी फैमिली के ऊपर कौन से असरात छोड़ती रहती हैं। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका, द यूज़ ऑफ हार्मफुल थिंग्स आर हार्मफुल फॉर देयर फैमिली लाइफ, दे डिफेम द ऑनर ऑफ देयर फैमिली। ये क्या, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, वो हार्मफुल होती हैं उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि उनका जो ऑनर होता है, मान या मर्तबा जो होते हैं, वो भी वो डिफेम कर देते हैं। डिफेम का मकसद वो कमज़ोर कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि वो अपने एक जो इंसान है जो एडिक्टेड है इसका वाइन का या एरे का नट का, तो वो जो है ना अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो फैमिली वाले जो खुद जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे अवॉइड करते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माहिरा कैन यू टेल मी हाउ डज द लॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स इफेक्ट अ पर्सन लाइफ स्टाइल। कह रहे हैं माहिरा आप बताएं कि उन चीज़ों की कीमत पर लोगों की ज़िंदगी पर कैसा असर होता है। तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक बता दूँ, तो आंसर में कह रहे हैं, द लॉस्ट ऑफ द हार्मफुल थिंग्स इज़ हाई। ये जो नुकसानदार चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहें। द पर्सन स्पेंड द अमाउंट ऑफ परचेजिंग द थिंग्स ही और शी डज नॉट थिंक अबाउट हिज आर हर कॉस्ट्यूम्स एंड स्टाइलिश ड्रेसेस, दस इट इज़ बैडली इफेक्ट वन लाइफ स्टाइल। अब ये देखें कि यानी कि जो बंदा होता है या जो इंसान होता है, वो जब वाइन करता है वाइन पीता है या स्मोक करता है, तो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। किस तरह चेंज हो जाता है? क्योंकि वो अपने बॉडी को खुद जो ना मेंटेन नहीं करते रहते। क्यों मेंटेन नहीं करते? क्योंकि उनके पास जो एडिक्शन होती है, वो गंदी एडिक्शन, बैडली एडिक्शन होती है। तो ये आज का था हमारा, ये एक्सरसाइज थी हमारी 2.2। उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन की रीडिंग भी कर ली, और मैंने आपको बता दिया वो वाले भी, रीडिंग भी हो गई हमारी, स्पीकिंग भी हो गई, उसके बाद क्वेश्चन जो आंसर थे वो भी हमारे मुकम्मल हो गए। तो यहाँ तक आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों ने ये जो भी हियरिंग की हुई है, ये पे आपने जो अंडरस्टैंडिंग की हुई है, तो हम मिलेंगे अगले हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।